सामने आपको एक लॉन्ड्री की मशीन दिख रही होगी। ये 30 kg की लॉन्ड्री की मशीन है जी, IFB की है। ये हमारी स्टेवी 5 की मशीन है। स्टेवी 5 की मशीन में दिक्कत क्या आ रही है, पानी गर्म करने में दिक्कत कर रही है। देखो इसके हीटर पूरे ख़राब हो गए, यानी करंट भी ये मार रही है। अब ये मशीन का काम को क्या करना पड़ेगी, हीटर इसके बदलने पड़ेंगे। ये देखिए सारी मशीनों में ये एक ही दिक्कत आ रही, क्यों आ रही है, इनमें कचरा फंस रहा है। या तो पानी गंदा आ रहा है या फिर इसमें अपना लंबे टाइम से हीटर नहीं बदले गए। दो ही कारण होते हैं इसमें। करंट मारने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, हीटर का अंदर से फटना। देखिए जो आपको दिख रहा है ये नया हीटर है हमारा, और हीटर कहाँ डालते हैं, हमारे सबसे नीचे। सबसे नीचे इसलिए डालते हैं कि ये ख़राब ना हो और पानी जल्दी गर्म करें। और ये हैवी लोड की मशीन है, यानी 30 kg की जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वहाँ पे। और इसके अंदर भी अपन को चेक करना होता है कि कचरा तो नहीं फंसा कहीं। यदि कचरा फंसा रहेगा तो अपने हीटर बार बार जलेंगे और मशीन बार बार करंट मारेगी। इस वीडियो में हम समझना चाहते हैं कि इसके हीटर के जाने के कारण यही होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये कनेक्शन लगे होते हैं यहाँ पे, ये 3 फेज से चलेगा। और हम इसको भी अभी इन हीटरों को क्या करेंगे, जो सही हैं जले नहीं हैं उनका कचरा निकाल के इनको अच्छी तरीके से धो लेंगे, धो के साफ़ कर लेंगे एकदम। ये नए जैसे हो जाएंगे, नए जैसे हो जाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, दोबारा धो के इन्हीं को लगा देंगे। इनमें से दो हमारे काम के और एक हमारा इसमें जल गया। ये आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना किसी की मदद से, जैसे टेस्टर वगैरह की मदद से। इसके अंदर जो कचरा है वो पूरा निकल जाएगा, और थोड़ा बहुत केमिकल आप SCL से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल नए जैसा ये निकल आएगा, एकदम सही हो जाएगा। मैंने इनका क्या धुलाई का और सफाई की, यदि ये सफाई सही होगा तो हमारा हीटर ये लंबे टाइम तक चलेगा। और इसमें कचरा आ रहा है इसीलिए हीटर बार बार जल रहा है। इस वॉशिंग मशीन में कहेगी हीटिंग की दिक्कत थी। अब हम इसको क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए अभी हमने इनमें केमिकल भी डाल दिया है SCL, तो SCL से एकदम साफ़ हो जाएंगे, एकदम नेट एंड क्लीन हो जाएंगे। देखिए ये पूरा साफ़ हो गया, और हम इनको धो के दो हीटर हमारे हम पुराने इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आपको हीटर का खर्चा बचाना है तो आपको हीटर को धो के हर 2-3 महीने में साफ़ करना पड़ेगी। और हीटर जाने का कारण क्या होता है, इनमें कचरा फंस जाता है तो ये जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो ये हीटर नहीं जाएंगे बार बार। अब क्या करेंगे हम इनको, आपको सामने दिख रहे हैं ये तीनों हीटरों, दो पुराने एक नया है। अभी क्या अपन इसको ये हीटर यहाँ पे तीन यहाँ से हमने निकाले थे वहीं पे वापस डाल देंगे, ये वापस डाल देंगे हीटरों को, और इनको कस देंगे टाइट। टाइट कस के क्या करेंगे, एक एक करके तीनों अंदर डाल देंगे और अंदर टैंक चेक कर लेंगे उनमें कचरा तो नहीं। ये तीनों को अच्छी तरीके से नट टाइट करके इसको वहीं के वहीं हम बिठा देंगे। और थोड़ा सा बिठाते टाइम ये ध्यान रखें कि हीटर टेढ़े वेढ़े ना कसा, एकदम सीधे कस दें इनको। सीधे कस के हम क्या करेंगे, इनके कनेक्शन भी करेंगे। और कनेक्शन से पहले क्या करेंगे हम इनको, देखिए आपको अभी दिखाते हैं। ये हमारे हीटर हमने कस दिए, अब कस के क्या इनको बिल्कुल एकदम सही कस दें। और कसने के बाद इन पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा MCL लगा देंगे इनमें पानी लीकेज ना हो, क्योंकि इस हीटर में थोड़ा सा पानी लीकेज होने के चांसेस होते हैं। इसमें पानी लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इनमें उतनी MCL लगाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाएं। हम फटाफट इस पर MCL भर देते हैं, MCL भर देंगे। अब MCL इसमें इतनी अच्छी तरीके से भर दी कि पानी लीकेज ना हो, और जब ये पानी लीकेज अपना नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा। अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे, R/V 3 फेज के कनेक्शन होंगे। देखिए यहाँ पर तीनों केबल आ गई हमारी, ऊपर से ऊपर के लूप लगा देंगे और नीचे से हम R/V 3 फेज दे देंगे। ऊपर से लूप लगा के फटाक से हम आपको दिखा देते हैं इसके कनेक्शन करने कैसे है, कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी एकदम साफ साफ हीटर दिखाई दे रहे होंगे। जो हीटर जो साफ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हम क्या करें, एक दो और तीनों, तीनों को अपन लूप कर देंगे। लूप कैसे करेंगे, एक वायर ही अपन ने लगा लिया यहाँ पर, ऐसे ही हम दूसरा वायर लगा लेंगे यहीं पर फटाक से। देखिए अब ये दूसरा वायर हमारे हाथ में आ गया, ऐसे दूसरा वायर, ये दूसरा वायर लूप हो गया, ठीक है। ये हमारे दोनों वायर लूप हो गए, ऐसे ही हम इसके ये लूप लग गया ऊपर, एक दो तीनों हीटरों का, ठीक है। और नीचे से हम क्या कर देंगे, R/V 3 को दे देंगे। देखिए यहाँ R लगा दिया, दूसरे में Y लगा देंगे और तीसरे में B लगा देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको हीटर के कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, और मशीन में करंट लीकेज क्यों हो रहा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए साथ में धन्यवाद, बने रहें। ये हमारा 30 kg का डिश वॉशिंग मशीन थी।